वेलकम और वेलकम बैक टू ऑरेंज शॉर्ट्स। दुनिया में कोई ऐसी जगह है जहाँ पे दिन और रात मिलते हैं, जहाँ पे इन दोनों का मिलाप होता है, जहाँ पे आप इन दोनों को इकट्ठे देख सकते हैं? इज देयर एनी प्लेस इन द वर्ल्ड वेयर यू कैन सी कि एक तरफ डार्कनेस हो, बिल्कुल खूब अंधेरा हो और एक तरफ ब्राइटनेस हो? आज की इस वीडियो में हम एग्जैक्टली इसी सवाल का जवाब तलाश करेंगे। और वीडियो के आगाज में मैं उसी बात को एक मरतबा फिर दोहराऊंगा जिसको मैं इसी चैनल के ऊपर बारहा दोहरा चुका हूँ, और वो बात ये कि ज़मीन गोल है, चांद ज़मीन के इर्द गिर्द गर्दिश कर रहा है, ज़मीन सूरज के इर्द गिर्द गर्दिश कर रही है और सूरज ब्लैक होल के इर्द गिर्द गर्दिश कर रहा है। ज़मीन की यही जो गर्दिश है, यही जो रोटेशन है, अपने ऑर्बिट के ऊपर जब ये होती है, यानी कि अपने मदार के ऊपर जब ये होती है, तो उससे क्या बनते हैं? सीजन्स, मौसम। और जब यही गर्दिश अपने महवर के ऊपर होती है, यानी कि ऑन इट्स एक्सिस, तो फिर क्या बनते हैं? दिन और रात। हमें लगता है ऐसा है कि सूरज मशरिक से तुलू हो रहा है और मगरिब में गुरूब हो रहा है। सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, बट एक्चुअली सूरज तो कहीं भी नहीं जा रहा, सूरज तो हमारी ज़मीन के रिलेटिव अपनी जगह पे कायम है। और ऐसा भी नहीं होता कि सूरज कभी बुझ जाए, सूरज तो हर वक्त जल रहा है, हर वक्त सूरज के अंदर केमिकल और न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है और हर वक्त सूरज रोशनी प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन अर्थ की इस रोटेशन की वजह से क्या होता है कि हमारे दिन और रात बनते हैं? वो हिस्सा जो कि एक्सपोज होता है सूरज की जानिब, वहाँ पर दिन होता है, और वो हिस्सा जो कि सूरज के मुखालिफ में होता है, यानी कि ऑपोजिट साइड के ऊपर होता है, वहाँ पर रात होती है। हमें चांद भी इसीलिए रोशन नज़र आता है क्योंकि चांद सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। बेसिकली सूरज की रोशनी चांद के ऊपर जाके पड़ती है और चांद की डिस्क का वो हिस्सा जो कि हमें नज़र आता है, उसके हिसाब से हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि चांद की इस वक्त एज कितनी है, यानी कि मून की इस वक्त उम्र कितनी है। अब जमीन की इसी रोटेशन के ऊपर आप ये चीज भी फैक्टर इन कर लें कि अर्थ इज राउंड, ऑलमोस्ट राउंड, नॉट एग्जैक्टली। तो अर्थ की इस राउंडनेस की वजह से होता क्या है कि जमीन के बहुत सारे हिस्से ऐसे होते हैं जहां पे सूरज कंटिन्यूसली चमक रहा होता है। स्पेशली अगर आप नॉर्थ पोल या साउथ पोल की मिसाल लेना चाहें तो साल के कई दिन ऐसे होते हैं जबकि नॉर्थ पोल पर हमेशा दिन होता है और साउथ पोल पर हमेशा रात होती है, और फिर अगेन बहुत सारे दिन ऐसे होते हैं कि जब साउथ पोल पर हमेशा दिन होता है और नॉर्थ पोल पर हमेशा रात होती है। अगर आपने वीडियो देखनी है तो आप मेरी वो वाली वीडियो देख लें कि जिसमें मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पे सूरज ग़ुरूब क्यों नहीं होता, जिसमें हम नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स के ऊपर मौजूद थे और वहाँ पर मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पर हर वक्त सूरज की लाली मौजूद रहती है। अगर आप उससे मज़ीद शमाल यानी कि मज़ीद नॉर्थ में चले जाएंगे तो फिर वहाँ पर वक्त ऐसा आ जाता है कि जब सूरज कभी भी ग़ुरूब होता ही नहीं है, इट नेवर सेट्स। लेकिन ऑब्वियसली अगर आप इस पूरे के पूरे सिस्टम यानी के पूरे निज़ाम के ऊपर गौर करें तो आपको एक चीज़ कंसिडरेबली वाजे हो जाएगी कि डेफिनेटली दुनिया में बहुत सारे इलाके ऐसे होते हैं कि जहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता शाम का गलबा छा रहा होता है और दिन डूब रहा होता है, और फिर अगेन कुछ ऐसे ममालिक भी होते हैं, ऐसी जगह भी होती हैं जहाँ पर एग्जैक्टली उसी वक्त आहिस्ता आहिस्ता सूरज निकल रहा होता है और आहिस्ता आहिस्ता शाम जो है वो ख़त्म हो रही होती है, रात ख़त्म हो रही होती है। सो टेक्निकली अगर हम बात करें कि क्या दुनिया में कोई ऐसी जगह है जहाँ पे दिन और रात मिलते हैं, तो मेरे ख्याल में इसका एग्जैक्ट जवाब ये होगा कि दुनिया में तकरीबन तमाम की तमाम जगहें ऐसी हैं जहाँ पर दिन और रात मिल रहे होते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम ऐसा नहीं होता कि आप अपने कैमरे को एक साइड पर करेंगे तो आपको कम्प्लीटली दिन नज़र आएगा और आप अपने कैमरे को दूसरी साइड पर करेंगे तो आपको एग्जैक्टली रात नज़र आएगी, ऐसा नहीं होता। वजह यह है कि रोशनी आ रही होती है एटमोसफेयर के थ्रू। हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जहाँ बहुत सारी गैसेस मौजूद हैं जिनमें प्रोमिनेंटली ऑक्सीजन मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, नाइट्रोजन मौजूद है, जहाँ पे अगर हम बहुत सारी और गैसेस की बात करें तो इन तमाम के तमाम गैसेस की मौजूदगी की वजह से होता क्या है कि आपकी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही होती है, रिफ्लेक्ट भी हो रही होती है और रिफ्रैक्ट भी हो रही होती है, साथ ही डिफ्यूज़ भी हो रही होती है। ये सब की सब चीज़ें क्या हैं? वैसे तो लाइट की और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ भी हैं, रोशनी की और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में दाखिल होने के बाद हमें नज़र आती हैं, लेकिन हम इन चंद एक की बात कर लेते हैं। रिफ्लेक्शन का क्या मतलब है? रिफ्लेक्शन का मतलब है कि एक जगह पर रोशनी पड़ी और उसकी वजह से आपको दूसरी जगह रोशन नज़र आई। मिसाल के तौर पर इस वक्त सूरज मेरे तकरीबन सामने है, लेकिन अगर आप मेरी बैक साइड के ऊपर भी खड़े हो जाएंगे तो आपको मेरी शर्ट वाजे तौर पे नज़र आएगी। वजह यह है कि पीछे काफ़ी सारा स्ट्रक्चर ऐसा मौजूद है जो कि रोशनी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। फिर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन क्या चीज़ है कि जब आपका सूरज ग़ुरूब हो रहा होता है तो अप्रॉक्सीमेटली जब 30 मिनट्स उसका डायमीटर जो है वो होराइजन से ऊपर होता है तो सूरज असल में नीचे जा चुका होता है, लेकिन चूंकि एटमॉस्फेयर यहाँ पे मौजूद है तो एटमॉस्फेयर की होने की वजह से जब रोशनी इसके एटमॉस्फेयर के अंदर से गुजरती है तो वो बेंड होती है, मुड़ती है। ये जो रोशनी की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से रोशनी बेंड हो रही है और मुड़ रही है, ये रिफ्रैक्शन कहलाती है। और इसकी सबसे ब्रिलियंट एग्जाम्पल तो है ही ग्लास, ग्लास बने पानी का, उसमें डाले पेंसिल, आपको खुद ही पेंसिल टेढ़ी नज़र आना शुरू हो जाएगी। पेंसिल टेढ़ी तो नहीं है, वो आपको नज़र इसलिए आ रही है क्योंकि लाइट बेंड हो रही है, ये चीज़ कहलाती है
रिफ्रैक्शन, फिर उसके बाद आ जाती है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की अगर आपने सबसे उम्दा मिसाल लेनी है, डिफ्यूजन होती तो हमारे एटमॉस्फेयर में भी है, लेकिन सबसे उम्दा आपने मिसाल अगर लेनी है तो आप समंदर की मिसाल ले लें। आप जब समंदर के अंदर पानी के अंदर आप जाएंगे तो आपको कुछ देर तक रोशनी नज़र आती रहेगी, लेकिन आप जितनी गहराई में जाते जाएंगे रोशनी आहिस्ता आहिस्ता मध्यम 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 और मध्यम होती जाएगी, अनटिल द टाइम कि एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा कि जहाँ पर मज़ीद रोशनी ट्रेवल करना, रिफ्लेक्ट करना, रिफ्रैक्ट करना छोड़ देगी, डिफ्यूज़ होना छोड़ देगी, क्योंकि पानी एक डेंस मीडियम है और आहिस्ता आहिस्ता जो लाइट है उसकी ये सख्त कि वो पानी के अंदर से चीर के दूर तक जा सके वो ख़त्म हो जाती है। तो उस वक्त फिर आपको बिल्कुल अंदर डार्कनेस नज़र आना शुरू हो जाती है, चाहे बेशक उस वक्त समंदर के बिल्कुल ऊपर सूरज ही क्यों ना चमक रहा हो। अगर आपने बहुत सारी वीडियोज़ देखी हों जो कि अंडर वाटर बनाई गई हैं तो आपको इस बात का बखूबी अंदाज़ा होगा। लेकिन इन तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज़ की वजह से एक चीज़ और होती है, और वो एक चीज़ और क्या होती है कि जब सूरज तुलू हो रहा होता है, जब हमें नज़र आता है कि सूरज तुलू हो रहा है, द सन इज़ राइजिंग, या जब सूरज गुरूब हो रहा होता है, जब हमें नज़र आता है कि द सन इज़ सेटिंग डाउन, तो ऐसी कोई डिमार्केशन या वाज़े लाइन मौजूद नहीं होती है दिन और रात के दरमियान में। अगर ऐसी कोई चीज़ होती जहाँ पर आपको दिन और रात के दरमियान में एक क्लियर लाइन, एक कटी हुई लाइन बिल्कुल नज़र आ रही होती कि आप उसे चंद सेंटीमीटर इधर चले जाएँ तो रात है, चंद सेंटीमीटर इस तरफ चले जाएँ तो दिन है, तो फिर आपकी शाम इस तरीके से होती ना। आपकी शामें जब होती तो वो इस तरीके से कि जैसे अभी आहिस्ता आहिस्ता सूरज गुरूब होता है, सुबह होती है तो आहिस्ता आहिस्ता रोशनी बढ़ती जाती है, सूरज तुलू हो रहा होता है, ये जो लाइट का डिम होना यानी कि मध्यम होना और लाइट का तेज़ होना यानी कि बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाना, ये इसी वजह से मुमकिन है कि हमारे ऊपर एक एटमॉस्फेयर मौजूद है, हमारे ऊपर एक पूरी फ़िज़ा मौजूद है। इस फिज़ा के अंदर हवा है, बादले हैं, मॉइस्चर है, डिफरेंट गैसेस हैं, और इन तमाम की मौजूदगी की वजह से ही आपको आसमान का रंग नीला नज़र आता है। वरना आसमान अगर आप चांद के ऊपर जाके देखें या मार्स के ऊपर जाके देखें तो आपको दिन के टाइम पे भी काला स्याही नज़र आएगा, पिच ब्लैक, कम्प्लीटली डार्क। आपको दिन के टाइम पे भी सितारे नज़र आएंगे, रात के टाइम पे भी सितारे नज़र आएंगे। ये हमारा एटमॉस्फेयर ही है बेसिकली कि जिसकी वजह से हमें आसमान नीला नज़र आता है और हमें शाम होने का पता चलता है और सुबह होने का पता चलता है। ऐसा कहीं पर भी दुनिया के किसी भी हिस्से में नहीं होता कि आप एक तरफ देखें तो रात है और एक तरफ देखें तो दिन है। दिस डज नॉट हैपन लाइक दैट। तो फिर आपका नेचुरली अगला सवाल ये होगा कि ये जो इतनी सारी वीडियोस आपको इंटरनेट के ऊपर मिलती हैं कि जहाँ पे आपको ऐसा दिखाया जाता है कि एक तरफ दिन है और एक तरफ रात है, ये सब क्या है? इट्स एब्सोल्युटली नथिंग। ये सिर्फ और सिर्फ आपके कैमरे की कारस्तानी है। मैं आपको अभी दिन के इस टाइम पर अपने कैमरे पर दिखा दूंगा कि मैं एक तरफ करूँगा तो आपको दिन नज़र आएगा और कैमरे को दूसरी तरफ करूँगा तो रात नज़र आएगी। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि मेरे एक तरफ दिन है और एक तरफ रात है? नहीं, ये तो कैमरा है। कैमरा कभी भी इंसान की आँख की तर्जुमानी नहीं कर सकता और ना ही इंसान की आँख को रिप्लेस कर सकता है। कैमरा किसी भी लम्हे दिन के किसी भी हिस्से में जो कुछ देख सकता है वो उसके अपर्चर के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी शटर स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। आप शटर स्पीड को एक तरफ सेट कर दें जहाँ पर सूरज निकला हुआ है, आप जब उसको दूसरी तरफ घुमाएंगे तो आपको खुद ही लग जाएगा कि यार रात हो गई है। लेकिन ऐसा है नहीं। ये सब की सब वीडियोस लोगों ने ऐसी फ़न के लिए डाली हुई है और फिर मज़ीद लोगों ने इसे मज़ीद आगे आगे और आगे फैला दिया है। दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहाँ पे इस किस्म का नज़ारा आपको अपनी आँख से नज़र आए। कैमरे से नज़र आ जाएगा, अपनी आँख से नज़र नहीं आएगा। और अगर हम टेक्निकली बात करें, तकनीकी लिहाज से बात करें, तो दुनिया की हर जगह ही ऐसी है कि जहाँ पर दिन और रात मिल रहे होते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ आर एटमोसफेयर, हमारी हवा और फिज़ा की वजह से ऐसा होता है कि रोशनी आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होती है शाम के वक्त और सुबह के टाइम पर आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होती जाती है, ब्राइट होती जाती है। सो टेक्निकली यस, एवरी प्लेस इन द वर्ल्ड उसकी एक तरफ दिन होता है और एक तरफ रात होती है, लेकिन जो ये वीडियोस हैं दीज आर एब्सोल्युटली रॉन्ग, इनके ऊपर आप बिल्कुल यकीन मत कीजिएगा। मीन टाइम अगर आप मेरी वो वाली वीडियो देखना चाहें कि जिसमें मैंने आपको ये बताया है कि सूरज यहाँ पे गुरूब क्यों नहीं होता, तो वो वीडियो लिंक होगी यहाँ। और अगर आप इस चीज़ के बारे में जानना चाह रहे हो कि मैंने समंदर में कितने जानदार देखे हैं तरह तरह के, तो वो वीडियो लिंक होगी यहाँ। अगली वीडियो तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। With tons of love to my Orange Shorts family and to be Orange Shorts family, this is me Zahid Nisar. आप लोग देख रहे हैं Orange Shorts और अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।